बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिशिंग अटैक के बारे में कि एक हैकर फिशिंग अटैक के जरिए किस तरह से आपकी फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट और भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक कर सकता है, और फिशिंग अटैक के फ्रंट एंड में कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, बैक एंड में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ बोनस पॉइंट्स भी बताने वाला हूं, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप खुद अपने लिए किस तरह से फिशिंग अटैक की सिस्टम तैयार कर सकते हो। बस आपको इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करना, ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है। जिन बच्चों को हैकिंग में इंटरेस्ट है उन्होंने फिशिंग अटैक के बारे में पहले से सुन रखा होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो स्टेप्स बताने वाला हूं और वो टूल्स बताने वाला हूं जिसके जरिए फिशिंग अटैक एक्चुअल में परफॉर्म होता है। अगर आप कोडिंग सीख रहे हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पर आपको कोडिंग से रिलेटेड बहुत ही क्वालिटी कंटेंट के वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें मैंने बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। इनसे मिलिए, ये है मिस्टर हैकर और ये है मिस्टर हैकर के बेस्ट फ्रेंड जिनका नाम है एलेक्स। एक बार क्या हुआ कि एलेक्स ने मजाक मजाक में मिस्टर हैकर को चैलेंज कर दिया और कहा कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक करके दिखाओ, अगर तुम कर सकते हो तो मेरी फेसबुक आईडी को लॉगिन करके दिखाओ। अब ये बात एलेक्स ने ऐसे ही मजाक मजाक में बोल दी, लेकिन मिस्टर हैकर ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अब अगर मिस्टर हैकर एलेक्स का फेसबुक आईडी लॉगिन करना चाहते हैं तो उनको जरूरत होगी एलेक्स के आईडी पासवर्ड की। तो अब मिस्टर हैकर कुछ ऐसा करेंगे कि ये आईडी पासवर्ड जो एलेक्स के पास है वो मिस्टर हैकर के कंप्यूटर में आ जाए। तो किस तरह से मिस्टर हैकर इस आईडी पासवर्ड को अपने कंप्यूटर में लेकर आते हैं, इन स्टेप्स को आप बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले मिस्टर हैकर क्या करेंगे कि एक वेब पेज को डिजाइन करेंगे जो देखने में बिल्कुल फेसबुक की तरह होगा, कुछ इस तरह से। और इस वेब पेज को डिजाइन करने के लिए मिस्टर हैकर यूज करेंगे HTML, CSS और बूटस्ट्रैप का। तो HTML, CSS और बूटस्ट्रैप का यूज करके मिस्टर हैकर ने क्या किया, बिल्कुल फेसबुक की तरह दिखने वाला एक वेब पेज डिजाइन कर दिया, और इसमें कुछ बेसिक्स फंक्शनैलिटी भी ऐड करनी थी। तो उस फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए मिस्टर हैकर ने jQuery का यूज कर लिया। jQuery जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे बूटस्ट्रैप नहीं आता, मुझे jQuery, PHP ये सब नहीं आता, तो नो प्रॉब्लम, वीडियो के एंड में मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको दिखाने वाला हूं कि आपको कहां से सीखना है और किस तरह से सीखना है, और उतना ही सीखना है जितना कि एक फिशिंग अटैक में जरूरी होता है। अभी आप वो सब भूल जाओ और इस स्टोरी पर फोकस करो, ठीक है। तो अब तक क्या हुआ, मिस्टर हैकर ने एक वेब पेज डिजाइन कर लिया जो बिल्कुल फेसबुक की तरह दिखता है, यानी फ्रंट एंड का काम यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब है बैक एंड का काम। तो बैक एंड में क्या होगा, बैक एंड में मिस्टर हैकर PHP और MySQL डेटाबेस का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि मिस्टर हैकर को एलेक्स का ये आईडी और पासवर्ड निकाल करके कहां पर स्टोर करवाना है, डेटाबेस के अंदर। तो इसी वजह से मिस्टर हैकर क्या करेंगे, PHP सर्वर साइड लैंग्वेज को MySQL डेटाबेस सॉफ्टवेयर के साथ यूज करेंगे और बैकएंड में इसका अच्छे से कोड लिखेंगे। बैकएंड में PHP को MySQL के साथ किस तरह से लिखना होता है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। तो अब तक क्या हुआ, मिस्टर हैकर ने एक कंप्लीट वेबसाइट डेवलप कर ली जो दिखने में बिल्कुल फेसबुक की तरह थी। उस वेबसाइट का फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस सब कुछ मिस्टर हैकर ने अच्छे से रेडी कर लिया, लेकिन ये वेबसाइट अभी कहां पर है, ये वेबसाइट अभी मिस्टर हैकर के कंप्यूटर में है। अगर मिस्टर हैकर ये चाहते हैं कि एलेक्स का आईडी और पासवर्ड उनके कंप्यूटर में स्टोर हो जाए, तो मिस्टर हैकर को अब क्या करना होगा, इस वेबसाइट को इंटरनेट पे होस्ट करना होगा, और होस्ट करने के बाद मिस्टर हैकर को जो डोमेन मिलेगा उस डोमेन को, यानी कि उस लिंक को, वो कर देंगे एलेक्स को सेंड। लेकिन अब आप सोचोगे कि यार इस वेबसाइट को इंटरनेट पर होस्ट करने के लिए हमें प्रीमियम प्लान परचेस करना होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको अब आपका फर्स्ट बोनस पॉइंट बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप बिल्कुल फ्री में अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। वहां से आपको एक फ्री डोमेन नेम मिलेगा, वो डोमेन नेम कोई प्रोफेशनल डोमेन नेम नहीं होगा, जैसे facebook.com, youtube.com इस तरह का कोई .com वाला प्रोफेशनल डोमेन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपका काम चल जाएगा। तो वो वेबसाइट कौन सी है, गूगल पे जाके सर्च करोगे इन्फिनिटी फ्री, और यहाँ से इन्फिनिटी फ्री की वेबसाइट को ओपन करोगे, तो ये वही प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी वेबसाइट को बिल्कुल फ्री में होस्ट कर सकते हो। ये आपसे कोई भी किसी भी तरह का चार्जेस नहीं लेंगे,
आपको बस यहाँ पर फ्री होस्टिंग में आ जाना है और साइन अप करवा के अपनी इस वेबसाइट को इन्फिनिटी फ्री पर होस्ट कर देना है। यानी कि इसके बाद ये साइट बिल्कुल लाइव हो जाएगी और आपको आपका डोमेन मिल जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि साइट को लाइव होस्ट करने के बाद मिस्टर हैकर को उनका डोमेन नेम मिल गया और डोमेन नेम कुछ इस तरह का है abc.yz.in। यानी इस डोमेन पर अब ये वेबसाइट लाइव हो चुकी है। अब अगर कोई बंदा इस डोमेन पे एंटर करता है तो उसके सामने जो वेब पेज ओपन होगा वो ये वाला फेसबुक होगा जो कि ऑफिशियल नहीं है, जिसे मिस्टर हैकर ने बनाया है। तो अब हमारा सवाल ये है कि एलेक्स इस वेब पेज को क्यों ओपन करेगा? मिस्टर हैकर को अगर एलेक्स का आईडी और पासवर्ड चाहिए तो कुछ भी करके ये वेब पेज यानी कि इसका डोमेन, ये लिंक मिस्टर हैकर को एलेक्स तक पहुंचानी होगी, ताकि जब एलेक्स इस लिंक को ओपन करेगा तो एलेक्स के सामने ये वेब पेज होगा। लेकिन मिस्टर हैकर किस तरह से ये वेब पेज एलेक्स को सेंड करेंगे और सेंड करने के बाद भी क्या गारंटी है कि एलेक्स इस वेब पेज को ओपन करेगा या नहीं? तो देखिए, यहाँ पर अब बारी है एनोनिमस बनने की। गूगल पे जाके सर्च करो एनोनिमस ईमेल सेंडर और एनोनिमस ईमेल की इस वेबसाइट को ओपन कर लो। इस वेबसाइट से मिस्टर हैकर एनोनिमस बनकर कोई भी ईमेल सेंड कर सकते हैं एलेक्स को। तो मिस्टर हैकर ने भी यही किया, इस वेबसाइट को ओपन किया और यहाँ पर एलेक्स की जीमेल आईडी टाइप करके एक ईमेल सेंड किया जिसमें लिखा हुआ था अपडेट योर फेसबुक और उसके बाद लिखा हुआ था क्लिक हेयर और क्लिक हेयर के बाद क्या लिखा था abc.co.in। अब ये वही डोमेन है जहां पर मिस्टर हैकर ने अपना डुप्लीकेट फेसबुक का पेज अपलोड किया है और फिर यहां से कर दिया ईमेल को सेंड। जैसे ही मिस्टर हैकर ने ईमेल को सेंड किया, एलेक्स के पास गया ईमेल जहां पर लिखा हुआ था अपडेट योर फेसबुक क्लिक हेयर। तो अगर एलेक्स समझदार बंदा होगा तो वो उस लिंक पर क्लिक कभी नहीं करेगा, लेकिन एलेक्स ने क्या किया, फेसबुक अपडेट करने के चक्कर में इस लिंक पर क्लिक कर दिया और इस लिंक पर क्लिक करने के बाद वो पहुंचा यहाँ पर डुप्लीकेट फेसबुक पर और कर दिया अपना अकाउंट लॉगिन। अब जैसे ही एलेक्स ने इस डुप्लीकेट फेसबुक पर अपना अकाउंट लॉगिन किया, उस वक्त क्या हुआ होगा इसको ध्यान से समझना। मिस्टर हैकर ने कुछ ऐसी फंक्शनलिटी क्रिएट की थी कि जैसे ही एलेक्स या फिर कोई भी बंदा इस फेसबुक के माध्यम से लॉगिन होगा, तब यहाँ पर जो भी उसका आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ है वो निकल के स्टोर हो जाएगा इस डेटाबेस में जो कि खुद मिस्टर हैकर ने बनाया है। और लॉगिन पर क्लिक करते ही एलेक्स को कहां पर रिडायरेक्ट करवाया जाएगा, फेसबुक के ऑफिशियल वेब पेज पर। उस वक्त एलेक्स समझेगा कि ये क्या हुआ, मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया और मैं वापस से फेसबुक के ही वेब पेज पर आ गया। वो समझेगा कि शायद अपडेट हो चुका, लेकिन असल में हुआ यह कि उसका पासवर्ड और आईडी निकल करके मिस्टर हैकर के डेटाबेस में गया और मिस्टर हैकर ने उसे फेसबुक के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करवा दिया। अब ये आईडी और पासवर्ड डेटाबेस में होने का मतलब क्या है कि ये आईडी और पासवर्ड मिस्टर हैकर के कंप्यूटर में पहुंच चुका। और एलेक्स को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि यहाँ पर हुआ क्या। वो तो समझ रहा था कि बस मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, फेसबुक अपडेट हो गया और मैं फेसबुक के पेज पे वापस से रिडायरेक्ट हो गया, जबकि हकीकत में उसने खुद अपना पासवर्ड मिस्टर हैकर को जाने अनजाने में दे दिया। अब एक मिनट के लिए आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर एलेक्स इस डोमेन को ओपन ना करता या फिर ओपन करने के बाद भी इस डुप्लीकेट फेसबुक के अंदर लॉगिन ना करता तो क्या ये आईडी और पासवर्ड मिस्टर हैकर को मिलता? कभी नहीं मिलता। तो फिशिंग अटैक के माध्यम से उस वक्त तक आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक नहीं हो सकता जब तक कि आप खुद हैकर को अपने हाथों से अपना आईडी और पासवर्ड नहीं दे देते। अगर आपको कभी भी इस तरह का कोई ईमेल मिलता है या फिर एसएमएस कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट अपडेट हो जाएगा, आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज यहाँ इस लिंक पर क्लिक करो, इस तरह से अगर आपको कोई भी ईमेल रिसीव्ड होता है तो प्लीज कभी भी ऐसे फेक ईमेल को क्लिक करके ओपन मत करना, और अगर गलती से कर भी दिया तो उसमें लॉगिन कभी मत करना। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि मैं यूजर्स तक अपनी बात पहुंचा सकूं जो कि कभी भी किसी भी लिंक को ओपन कर देते हैं और अपना अकाउंट भी लॉगिन कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। अब एक काम करते हैं, स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो गई है तो इस स्टोरी को खत्म भी कर देते हैं। दूसरे दिन क्या हुआ कि जब एलेक्स भाई की गुड मॉर्निंग हुई, उस वक्त उन्होंने देखा कि उनकी फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो चुकी है
और यहीं पर स्टोरी खत्म। अभी आपको दूसरा बोनस पॉइंट बताना बाकी है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि PHP के माध्यम से एक फंक्शनलिटी किस तरह से क्रिएट होती है जिसमें हम लॉगिन करवाते हैं MySQL डेटाबेस के साथ, तो उसके लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से एक लॉगिन पेज को बनाया जाता है, उसके अंदर PHP का यूज किस तरह से होता है, और फिर हम यूजर से किस तरह से डेटा को कलेक्ट करके उसको अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा कि एक फिशिंग अटैक करने के लिए जो सिस्टम रेडी होती है वो किस तरह से होती है। इस वीडियो में मैंने PHP, jQuery, Ajax टेक्नोलॉजी सब कुछ यूज किया है, और ये वीडियो नॉलेज पर्पस के लिए है, उन लोगों के लिए जो अपनी कॉलेज के लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, किस तरह से लॉगिन सिस्टम क्रिएट करना होता है। हमेशा याद रखना, आपके पास जो भी नॉलेज है, जितना भी नॉलेज है, उसका यूज दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए करना, कभी उसका गलत इस्तेमाल मत करना। अगर आप हैकिंग सीखते भी हो तो फिर उसका मिसयूज मत करना। फिशिंग अटैक और जितने भी इस तरह के हैकिंग अटैक्स है वो सीखना इस वजह से जरूरी है क्योंकि मान लो कि फ्यूचर में आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, अब उस सॉफ्टवेयर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी जरूरी है, तो आप उस वक्त तक अपने बनाए हुए सॉफ्टवेयर में अच्छी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते जब तक कि आपको ये पता ना हो कि हैकिंग अटैक्स होते किस तरह से है। जब आपको अटैक्स के बारे में पता होगा तभी तो आप अपने सिस्टम को इतना सिक्योर कर सकोगे कि उसमें कोई भी बंदा इस तरह से अटैक परफॉर्म ना कर सके। अब अगर आप कोई डेवलपर नहीं हो, एक नॉर्मल यूजर हो, तो आपको बस इतनी बात याद रखनी है, कभी भी किसी अनऑफिशियल लिंक पर क्लिक नहीं करना। और अगर आप एक डेवलपर हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये बात याद रखनी है कि किस तरह से आप अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। और आपके लिए ये जानना भी जरूरी था कि हैकर्स किस तरह से फिशिंग अटैक को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर आप कंप्लीट SQL डेटाबेस को सीखना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो बना करके रखी है, ये सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप SQL में चैंपियन बन जाओगे, और इसके बाद में SQL इंजेक्शन सिक्योरिटी के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूं और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का भी एक वीडियो बनाने वाला हूं। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो, यहां पर बहुत कुछ है, मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोस बना करके रखी है। इन प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और यहां से वीडियोस देखिए। यहां पर C++, जावा, पाइथन, SQL विद PDF नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। और मैंने अभी अभी एंड्रॉइड डेवलपमेंट का कोर्स भी स्टार्ट किया है, तो अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियोस बनाऊं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।